हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राप्तिस किचन। आज हम बनाएंगे गुजरात फेमस खमन ढोकला। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कप बेसन, फिर हम देंगे स्वाद अनुसार नमक, ग्रीन चिली, रेड चिली यहाँ पे हमने दिया है, और 1 टीस्पून अदरक जूस, फिर हम देंगे 1 टेबलस्पून लाइम जूस। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे बैटर के लिए। फिर अच्छी तरह से भून लेने के बाद कुछ बैटर इस तरह का होगा। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेकिंग सोडा की यूज़ कर सकते हैं। इनो देने के बाद हम इसको अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे। इनो हमने दिया ताकि फ्लफीनेस और स्पंजीनेस आए। एक बॉक्स में हम रिफाइंड ऑयल को ग्रीस कर लिए हैं एंड उसमें हम दे देंगे बैटर को। बैटर देने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कैप कर लेंगे। हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, उसको हमने 5 to 10 मिनट्स प्री हीट कर लिया है। इसके बाद हम बैटर को बॉक्स को अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे एंड कढ़ाई में इसको हम 15 टू 20 मिनट्स रख देंगे। फिर एक प्लेट से ढक देंगे। ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाने के बाद इसको हम अच्छे से काट कर लेंगे। फिर एक प्लेट में हम ढोकला को ट्रांसफ़र कर लेंगे। एज यू ऑल कैन सी, इतना फ्लफी हुआ है और स्पंजी हुआ है। नेक्स्ट हम इसको कट कर लेंगे। हमने पहले से ही चाशनी बना लिए थे जिसमें हमने दिया है राई, चिली जो रेड या ग्रीन आप दे सकते हैं, और शुगर। फिर इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे देंगे। नेक्स्ट इसमें हम देंगे कोरिएंडर लीव्स, आप चाहे तो करी पत्ता भी दे सकते हैं। अब पूरी तरह से यहाँ पे हमारा गुजराती स्टाइल खमन ढोकला एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। एंड लॉकडाउन में ये घर में बनाना बहुत ही इजी है। सो गाइज, आप लोग भी ट्राई कीजिए एंड हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।